श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की यह है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है, तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो है वो चारों तरफ घूम रहे और वो यहां भी पधार रहे हैं और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षा का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीजें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीजें, बच्चे सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज बन करके जीते हैं और ये जो एंटीबॉडीज होती है यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है उसके अंदर शुरू में होता है। 12 साल तक एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है इस तरह से इनको पता हो जाता है और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं।